नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। जी हां, कुछ ऐसा ही भव्य मंच होगा जो आप इस वक्त देख रहे हैं। मेरे पीछे शानदार लाइट्स होंगी, भारत का तिरंगा और अमेरिका के झंडों की सजावट होगी और इस सब के बीच मंच पर होंगे पीएम मोदी और सामने होगी 50,000 से ज्यादा लोगों की भीड़। हिंदुस्तान और अमेरिका के साथ या पूरी दुनिया को उस मेगा शो का इंतजार है जब ह्यूस्टन में पीएम मोदी और ट्रंप एक साथ नजर आएंगे। अब उस घड़ी का इंतजार है जब प्रधानमंत्री मोदी को पूरी दुनिया सुनेगी और अमेरिका के ह्यूस्टन में एक नया इतिहास बनेगा। आपको दिखाते हैं कल क्या होने वाला है। अमेरिका के ह्यूस्टन में हर तरफ प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर, हर तरफ हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा। विदेशी जमीन पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का ऐसा इंतजार, हिंदुस्तान की ऐसी शान आप पहली बार देख रहे होंगे। ट्रकों पर पीएम मोदी के पोस्टर्स लगे हैं, कार रैलियां निकाली जा रही हैं। हिंदुस्तान की किसी रैली की तरह ह्यूस्टन में भी पीएम मोदी की रैली का प्रचार हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद होंगे इस इवेंट पे और ये एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इवेंट होगा भारत और यूएस के रिश्तों के बीच में। रविवार को अमेरिका के इसी स्टेडियम में 50,000 से ज्यादा लोगों के बीच प्रधानमंत्री मोदी होंगे और इसी स्टेज पर मोदी के साथ होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। पीएम मोदी का कार्यक्रम कितना भव्य रहने वाला है इसका अंदाजा रिहर्सल की तस्वीरों से होता है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियाँ अपने अंतिम दौर में हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के 50 राज्यों के में से 48 राज्यों यहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे, इनके कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और एक रिकॉर्ड ऑडियंस होंगे। इसके अलावा यहाँ के जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं, सेनेटर्स, कांग्रेसमैन, वो भी काफी अच्छे संख्या में होंगे। ह्यूस्टन के एनआरजी स्टेडियम में ये कार्यक्रम होगा। हाउडी मोदी कार्यक्रम को सफल करने में 1100 से ज्यादा वॉलंटियर्स दिन रात जुटे हुए हैं। अमेरिका के 48 स्टेट्स में भारतीय समुदाय के लोग अपने पीएम मोदी को सुनने के लिए ह्यूस्टन पहुंच रहे हैं। हाउडी मोदी में 60 से ज्यादा अमेरिकी सांसदों को भी इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद की जा रही है। शुरुआत में सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो करीब 90 मिनट का होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय अमेरिकी समुदाय की विविधता का प्रदर्शन होगा। टेक्सास और पूरे अमेरिका से 400 कलाकार शामिल होंगे जो 17 ग्रुप्स में होंगे। स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कलाकार नॉनस्टॉप परफॉर्म करेंगे। 24 सितंबर को बिल गेट्स फाउंडेशन की ओर से पीएम मोदी को ग्लोबल कीपर्स गोल्स 2019 अवार्ड दिया जाएगा। 23 सितंबर को पीएम मोदी जलवायु परिवर्तन पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 24 सितंबर को मोदी और ट्रंप के बीच दोबारा मीटिंग होगी। ट्रंप के अलावा पीएम मोदी का 45 देशों के नेताओं से भी मिलने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी कांग्रेस के सांसदों से मिलेंगे। 25 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में ग्लोबल बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर यूएन में आयोजित कार्यक्रमों में भी पीएम मोदी हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री गांधी सोलर और गांधी पीस सेंटर का उद्घाटन करेंगे। 27 सितंबर को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के 74वें सालाना सेशन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा आतंकवादी और उग्रवादी हिंसा पर होने वाले लीडर्स डायलॉग में भी मोदी हिस्सा लेंगे। आदिति त्यागी, जी मीडिया, ह्यूस्टन। ये सीधे अब आपको ह्यूस्टन लेकर चलते हैं और लगातार आप देख रहे हैं हमारी सहयोगी अदिति त्यागी वहां पर मौजूद हैं और उनकी रिपोर्ट्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अदिति, इसे कूटनीतिक क्रांति ही कहा जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश, उनके राष्ट्राध्यक्ष एक साथ एक मंच पर, कितनी पॉजिटिविटी, कितनी एक्साइटमेंट इस इवेंट को लेकर आप देख रही हैं वहां पर? मीमांसा, आप कूटनीतिक रिवॉल्यूशन तो इसे आप कह ही सकते हैं। आप इसे ऐसे भी समझिए कि इससे पहले
पॉप को अगर छोड़ दे तो किसी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के लिए इस तरह का क्रेज नहीं देखा गया। इस तरह से अमेरिका के बड़े स्टेडियम्स में शुमार होने वाले किसी स्टेडियम में 50,000 लोगों की लाइव ऑडियंस किसी नेता को इस तरह से सुनने के लिए नहीं पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी का जो बढ़ता कद है, जो उनका करिज्मा है, जो इंटरनेशनल लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जो उनकी जिस तरह की धाक है, ये उसकी तस्दीक करता है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वहां पर आना। और यहां पर मैं एक और बात क्लैरिफाई करना चाहती हूं मीमांसा, कि ऐसा नहीं है सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप आ रहे हैं, बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हो जाएं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिका की सियासत में वो भी कर दिया है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेस में आने वाले हैं, इसमें डेमोक्रेट्स भी शामिल हैं, इसमें रिपब्लिकन्स भी शामिल हैं। तो ये बताने के लिए काफी है कि ये इवेंट क्यों हम बार बार कह रहे हैं, क्यों ऐतिहासिक लफ्ज का इस्तेमाल बार बार किया जा रहा है, क्यों रिकॉर्ड नंबर ऑफ लोग पीपल की बात की जा रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, इस समय मैं जहां पर खड़ी हूं उसे स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल कहते हैं। ह्यूस्टन के बड़े मंदिरों में ये शुमार होता है। वैसे जो दिल्ली में अक्षरधाम टेम्पल है उससे भी बड़ा टेम्पल बनाने की तैयारी अब न्यू जर्सी में चल रही है, लेकिन ये ह्यूस्टन का स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल। और ये भी इंटरेस्टिंग है मीमांसा कि जब इस मंदिर की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी इन 2000, तो प्रधानमंत्री मोदी तब यहां पर मौजूद थे। और अब यहां पर जो डिवोटीज आ रहे हैं या जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भक्त आ रहे हैं, उन्हें ये ख्वाहिश है कि प्रधानमंत्री जब भी उन्हें टाइम लगे, इस बार उनका कार्यक्रम काफी व्यस्त है, लेकिन जब भी उन्हें वक्त मिले या जब भी वो समय निकाल सकें, वो इस मंदिर में आए, प्रार्थना करें, पूजा पाठ करें, ऐसा यहां पर लोगों की ख्वाहिश है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की इस विजिट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। मंदिरों के लिहाज से बात की जाए तो ह्यूस्टन शहर में, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी रहते हैं, 20 से ज्यादा टेम्पल्स हैं, यहां पर 20 से ज्यादा मंदिर हैं, तो मंदिरों के माध्यम से भी भारतीय संस्कृति जो है, कल्चर जो है, जरा देखिए यहां पर जिस तरह के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है, इसकी खूबसूरती देखिए, दूर से ही आप कई किलोमीटर दूर से ही इस मंदिर को यहां पर देख सकते हैं। एक अलग तरह की पीस है जिसका जिक्र हमारे कल्चर में बार बार किया जाता है। तो कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति को संजोए हुए भारतीय कल्चर ने कैसे अमेरिका में इंटीग्रेट किया है, और साथ ही प्रधानमंत्री के इस दौरे पर कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है, और उसके इर्द गिर्द होने वाली कूटनीति भी, उसके इर्द गिर्द होने वाली सियासत जो हिंदुस्तान में हो रही है, और उसके माध्यम से हिंदुस्तान को के कल्चर को, और साथ ही हिंदुस्तान के बढ़ते क्लाउट को जो शोकेस करने की कोशिश इस समय प्रधानमंत्री मोदी, या फिर कहना चाहिए ब्रांड इंडिया, ब्रांड मोदी की वो जो चमक है, उससे अमेरिका भी चमकने वाला है 22 तारीख को इस इवेंट में। लेकिन बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का इवेंट है मीमांसा। बिल्कुल अदिति, आपके पीछे जो मंदिर है वो जितना चमक रहा है, जितना खूबसूरत लग रहा है, जो ब्रांड इंडिया की चमक है, वो भी पूरी दुनिया देखेगी जब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, बोलेंगे, और पूरी दुनिया देखेगी, और ये ताकत का इजहार होगा, इस ताकत का एहसास पूरी दुनिया करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति हम तक ये रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की भी हम आपको बता दें, शानदार तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी के लिए उनका पसंदीदा खाना भी वहां पर तैयार किया जा रहा है। हमारी संवाददाता अदिति त्यागी की ये रिपोर्ट भी देखिए। बता दें, ये कोई मामूली किचन नहीं है, ये किचन बहुत ही स्पेशल है। और ये किचन स्पेशल है क्योंकि ये किरण जी का किचन है। अब किरण जी का किचन क्यों स्पेशल है, अगर आप अमेरिका आए हैं, ह्यूस्टन शहर में आए हैं, तो फिर आप मैडम को जानते होंगे, क्योंकि मैडम यहाँ पर बहुत ही डिलीशियस खाना बनाती हैं, और हिंदुस्तानी खाने के माध्यम से विदेशियों का और साथ ही अमेरिकन्स का दिल जीतती हैं। लेकिन मैम, जो चीज मुझे यहाँ पर खींचकर लेकर आई है वो है आपका खाना। ये वो खाना है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी बेहद पसंद है। मैम, क्या खिलाने वाली हैं आप इस बार प्राइम मिनिस्टर को? Well, सबसे बड़ी बात तो इट्स सच एन ऑनर टू कुक फॉर हिम, एंड आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड आई हैव क्रिएटेड सम थिंग्स। इट्स कॉल्ड नमो थाली, ऑफ कोर्स विद हिज नेम, but I created what his mom would be cooking for him, and he likes to eat in copper. तो ये सब खाना पसंद है जी। आप हिंदी में बताइए हमारे दर्शकों को। सॉरी, तो ये है आलू समोसा, मिंट चटनी, पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, कचौड़ी, दाल पंचम, खांडवी, चावल, बिकॉज हमने सुना है वो खिचड़ी खाते हैं बहुत शौक से, तो चावल भात, एंड देन मेथी का थेपला। Yeah.
तो यही योगिक खाना है जिसके बारे में योगिक खाना विच ही रियली एंजॉयज ईटिंग एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू हैव अ ग्लास ऑफ छास फॉर हिम आल्सो एंड देन मिठाई में हम खाना गुजराती कैसे हो सकता है जब तक मीठा ना हो तो हमने सोचा उनकी मनपसंद की मिठाइयाँ ये रसमलाई है ये श्रीखंड है गुलाब जामुन खीर और गाजर हलवा थाली भी पूरी तरह से तैयार है और भी बहुत तैयारियां हो रही हैं शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का वहां पर आयोजन भी होगा एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं लौटते हैं जब तो ह्यूस्टन में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए तैयारियां की जा रही हैं ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको नमो थाली दिखाई थी किस तरह से व्यंजन परोसे जाएंगे कौन कौन से वो व्यंजन होंगे जो परोसे जाएंगे प्रधानमंत्री के लिए और साथ ही साथ आपको बता दें शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा मेगा शो को सुपरहिट बनाने के लिए 400 कलाकारों ने दिन रात मेहनत की है आपको बता दें 90 मिनट का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा भारतीय अमेरिकी समुदाय की विविधता का प्रदर्शन इसके जरिए किया जाएगा और पूरे अमेरिका से 400 कलाकार शामिल होंगे 17 ग्रुप्स के कलाकार नॉनस्टॉप परफॉर्म करेंगे इस कार्यक्रम का बजट बढ़कर $2.4 मिलियन हुआ है तो शानदार तैयारी है एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं फौरन लौटते हैं